जोकर बन के नहीं रहना भाई, हम यूट्यूब कम्युनिटीज है। तो अभी जिस तरीके से बाबू भैया बिग बॉस 17 घर के अंदर चीजें कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा बेकार जा रहा है, जिसकी वजह से मान लो कि बाबू भैया अगर बिग बॉस 17 की ट्रॉफी जीत भी जाते हैं तो लोगों के दिल में जगह नहीं बना पाएंगे। अब ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज फुकरा इंसान बोले हैं और कुछ सजेशन भी दिए हैं वो UK07 राइडर के लिए। यस आप खुद देखो। मैं कहता हूँ अनुराग भाई आप ये बिग बॉस का सीजन जीत गए, बट इस जर्नी के बाद जीतना इज नॉट विनिंग भाई, मतलब जीतना हारना भाई वो मैटर नहीं करता यार, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर तुम्हारी जर्नी रिमार्केबल नहीं है ना कि भाई इंसान कह सकते हैं भाई ये पर्सनालिटी है बढ़िया, अगर तुम जीत रहे हो और पूरी सीजन तुम्हारे पे गाना चल रहा है सारी उम्र में जोक राजा बनता रहे और फिर तुम जीत गए तो भाई व्हाट्स द पॉइंट। इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड फॉर एवरीवन, कोई भी जाता है स्टेज पे और बाबू भाई से मिलता है बात करने का मौका मिलता है तो उनको समझाओ कि ब्रो प्ले अलोंग, अकेले खेलो, डट के खेलो, किसी से मत डरो, कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है भाई टेक अ स्टैंड, बोलो भाई, उल्टा बोलो, उल्टा जवाब दो भाई, और अपना एक ऑरा क्रिएट करो कि जिसके अराउंड कोई बोलने से पहले सोचे यार। जोकर बन के नहीं रहना भाई, हम यूट्यूब कम्युनिटीज है भाई, अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बुरा खेल रहे हो और आपका मतलब मजाक उड़ रहा है, आपके कोई स्टैंड ही नहीं है, फिर आप सोचो कि भाई मेरी कम्युनिटी मुझे सपोर्ट करे, नहीं भाई। अगर आपको देख के लोग प्राउड फील करते कि मेरी कम्युनिटी का, तब सपोर्ट मिलता है भाई कम्युनिटी से। अगर आप वहां जाके जोकर बन जाओगे, आपका कोई स्टैंड नहीं है, कोई गेम नहीं, आपकी पर्सनालिटी लोगों को पता चल रही है, तो वहां भाई फिर इंसान नहीं खड़ा होगा भाई आपके लिए। भाई बिग बॉस बहुत अलग है और अपने व्लॉग में आके नई गाड़ियां खरीदना बहुत अलग है। दीज आर वेरी टू डिफरेंट।